कन्नौज से है। कन्नौज में नगर पालिका के नाम पर हो रही उगाही के विरोध में ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया। ऑटो चालकों के यह आंदोलन अवैध वसूली मांगने के लिए मारपीट करने का है। चालकों की हड़ताल की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम चालकों को हड़ताल खत्म करने के लिए समझा रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि ऑटो चालकों की समस्याओं पर जल्द निपटारा किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 200 ऑटो चलते हैं। शहर में आने जाने का यह ऑटो ही सबसे आसान साधन है। नगर पालिका इन ऑटो को संचालित करने का ठेका हर साल उठाता है, जिसमें एक ऑटो से हर माह मामूली शुल्क लेकर शहर में परिचालन कराया जाता है। लेकिन इन नगरी के ठेकेदार मोटी कमाई करने के लिए ऑटो चालकों से रोजाना 50 रुपए की वसूली करते हैं। रोजाना यह वसूली चालकों से जबरन की जाती है। विरोध करने पर ठेकेदारों के दबंग गुर्ग ऑटो चालक से बीच सड़क पर मारपीट करते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी कन्नौज की सड़कों पर हुआ, जिसके विरोध में शहर के सारे चालकों ने चक्का जाम कर हड़ताल शुरू कर दी है। चक्का जाम की सूचना पर एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और हड़ताली चालकों को समझाकर ऑटो चलाने के लिए कहा। मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ऑटो चालकों ने हड़ताल हटाया। वसूली के बाद पर एसडीएम का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन को ओरी चालन शुल्क वसूलने के अधिकार है। अगर ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शुल्क नहीं पड़ेगा। पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, ये तो चीज नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, चलते ही गाड़ी कोई नहीं पकड़ता, ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, आप ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर साहब भी हैं और उन्हें बता देंगे कि ऐसा नहीं होगा। जो पार्क है उसमें सवारी उतारने और सवारी चढ़ाने के लिए इतना कर दिया जाए। चलिए आप इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इनके द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड के सामने पार्किंग कर दिया जाता था, जिससे आम जन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी, कभी किसी दिन एक्सीडेंट हो जाता था। तो इस तरह उद्देश्य से इनको कहा गया कि आप लोग अपने वाहन को गलत जगह पार्किंग न करें, आप लोग मूविंग में रहें। तो उसके विरोध स्वरूप इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इनकी समस्याओं पर जो इन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है, जल्दी हम लोग सार्थक रूप से विचार विमर्श करके इसका हल करेंगे। सर, चालक हैं वो एक आरोप लगा रहे हैं कि उनसे अवैध वसूली की जाती है 50 रुपए 30 रुपए। ऐसा कोई संज्ञान नहीं, अगर इन्होंने कि कौन इनसे वसूली करता है, ये लोग और यही बात है जो पर्ची की बात कर रहे हैं 50 रुपए। ये नगर पालिका के क्षेत्र में यदि कोई मूवमेंट किसी ऑटो का होता है तो उसके परिचालन शुल्क को लिए जाने का एक ठेका दिया गया है, उसी के तहत इनसे जो है पर्ची इनको दी जा रही है। सर, ऑटो चालकों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी आए दिन की जाती है, इसका ऐसी कोई बात नहीं संज्ञान में। यदि अगर उनके साथ कोई मारपीट की जा रही है तो उसका जो है ये लोग जो निश्चित रूप से संज्ञानित करें, उसके खिलाफ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।